वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अंटिल द लास्ट पीरियड वी सॉल्व एक्सरसाइज 9.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 6। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट ए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ साइन 3x डॉट साइन 2x डॉट dx। इस गिवन फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, देखिए फंक्शन को देखने से लग रहा है कि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर साइन का थीटा 3x है और यहां साइन का थीटा 2x है। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या किया जाए, किसका इंटीग्रेट हो जाए। अगर हम इस साइन 3x इंटू साइन 2x अगर इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x या 2 sin a sin b। इट्स ओके। अगर हम इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला आएगा 2 sin a sin b। इट्स ओके। बट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, इट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से डिवाइड किया और 2 हमने टेक आउट कर लिया। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी नो दैट 2 sin a sin b। स्टूडेंट्स आपने रीड किया, आपने स्टडी किए, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a minus b माइनस cos a प्लस बी। स्टूडेंट्स आपने स्टडी किए, 2 sin a sin b इज इक्वल टू मैं के फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इट्स ओके स्टूडेंट्स। नाउ I इज इक्वल टू 1/2 cos वैल्यू ऑफ a 3x और वैल्यू ऑफ b 2x। इट्स ओके। अब इसमें अप्लाई करते हैं cos a माइनस बी, इट मींस 3 minus 2x x माइनस cos a प्लस बी, वैल्यू ऑफ a 3x और वैल्यू ऑफ a b 2x, 3x प्लस 2x 5x डॉट dx। स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, I इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स इंटीग्रेट ऑफ cos x, इंटीग्रेट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज sin x माइनस इंटीग्रेट ऑफ cos 5x विद रिस्पेक्ट टू x इज sin 5x। बट कोफिशिएंट ऑफ x 5 या डिवाइड में चला जाए, ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया जो गिवन जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट बी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, आई इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ अंडर रूट 1 minus sin x डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट्स ओके। देखिए यह फंक्शन को देखने से लग रहा है यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट मेथड यूज नहीं होगा, हम यहां पर किसी को लेट नहीं कर सकते। इट्स ओके। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे और रूट कैंसिल करेंगे। इट्स ओके। वी नो दैट 1 माइनस साइन एक्स वी कैन राइट 1 माइनस साइन एक्स वी कैन राइट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस एज इट इज वैल्यू ऑफ साइन एक्स 2 sin x/2 cos x/2। इट्स ओके। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू को देखते हुए, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू को देखते हुए हम 1 को क्या पुटअप कर सकते हैं, 1 की आइडेंटिटी क्या होगी,
साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू को देखते हुए हम इस वन को राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम वन को राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एज इट इज वैल्यू ऑफ साइन एक्स टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां से यहां तक रीड कीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इसको हम राइट कर सकते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर। इट्स ओके। इसको हम ये राइट कर सकते हैं और इसको हम राइट कर ये भी कर सकते हैं और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर। इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम इस कंडीशंस को हम ये भी राइट कर सकते हैं और ये भी राइट कर सकते हैं। इट्स ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एज इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट वैल्यू रूट एज इट इज वैल्यू ऑफ वन माइनस साइन एक्स। आप ये भी राइट कर सकते हैं, वो भी राइट कर सकते हैं। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, हम ये राइट कर रहे हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट की इनर में क्या है, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। इट्स ओके। तो आई इक्वल टू रूट कैंसिल होगा, पावर कैंसिल होगी, तो इसको क्या राइट करेंगे साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स, यहां तक आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स बाई टू, इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स का मान लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कॉस एक्स, एक्स मीन्स यहां पर एक्स क्या है एक्स बाई टू है, अपॉन वन बाई टू, अपॉन वन बाई टू। इट्स ओके स्टूडेंट्स, साइन एक्स का इंटीग्रेट माइनस कोस थीटा एज इट इज, और यहां पर एक्स का कोफिशियंट कितना वन बाई टू है, तो इंटीग्रेट में वन बाई टू डिवाइड भी जाएगा। इट्स ओके। माइनस माइनस एज इट इज कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू का इंटीग्रेट क्या होता है साइन एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू। इट्स ओके। प्लस सी स्टूडेंट्स, आप यहां पर इसकी जगह ये भी यहां पर पुट अप कर सकते हैं। जब आप ये यहां पर पुट अप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा कोस एक्स बाई टू आएगा, फिर क्या आएगा साइन एक्स बाई टू आएगा। इट्स ओके। नाउ यहां इसको राइट कर देते हैं आई इक्वल टू स्टूडेंट्स टू कहां जाएगा अप में जाएगा, टू जो है वो न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का टू कोस एक्स बाई टू एंड माइनस टू साइन एक्स बाई टू। इट्स ओके। प्लस सी, यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? आई इक्वल टू माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, टेक आउट माइनस टू इन ब्रैकेट राइट कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग? एनी प्रॉब्लम बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए साइन एक्स बाई टू है माइनस कोस एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू माइनस एच डी कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू, जो टू है वो मल्टीप्लाई बाई न्यूमिरेटर माइनस टू कोस एक्स बाई टू माइनस टू मल्टीप्लाई अपर में हो गया माइनस टू साइन एक्स बाई टू, टेक आउट माइनस कॉमन ले लिया। इट्स ओके। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। स्टूडेंट्स, आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का टू इन ब्रैकेट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इट्स ओके। ये आपने इस गिवन फंक्शन का आपने इंटीग्रेट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जब आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा बताइए? यहाँ पर कोस एक्स बाई टू आएगा, कोस एक्स बाई टू आएगा यहाँ पर, और कोस एक्स बाई टू क्या होता है साइन एक्स बाई टू होता है, और यहाँ पर साइन एक्स बाई टू आएगा, तो इट मीन्स क्या होगा, इसके स्केल में क्या डिफरेंस होगा, इसके स्केल में डिफरेंस होगा कि देखिए आई इक्वल टू प्लस माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपने
जो गिवन फंक्शन था आपने उसका इंटीग्रेट फाइंड कर लिया। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, स्टूडेंट्स आप वैल्यू ऑफ वन माइनस साइन एक्स को आप ये भी पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं, जब ये पुट करेंगे तो माइनस साइन आ रहा है और जब ये पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा। इट्स ओके, इट मीन्स इसके आंसर प्लस माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आप डिनोट कर सकते हैं। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पार्ट ए, I इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ कोस फोर एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट्स ओके, देखिए यहां पर कोस एक्स का होल पावर फोर है। आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, इस इन वैल्यू को हम किसी आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। इट्स ओके, नाउ इंटीग्रेट इसको हम राइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर डॉट डीएक्स। स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर डॉट डीएक्स ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। इट्स ओके, पावर टू पावर मल्टीप्लाई टू टू जा फोर फोर आ गया, दिस वैल्यू एज इट इज। इट्स ओके, अब देखिए ध्यान से, वी नो दैट वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस cos 2x by 2, 1 plus cos 2x by 2, it's okay, value of cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2, it's okay, अब इस value को हम यहाँ पर put करेंगे, so I equal to integrate 1 plus cos 2x by 2 of whole square dot dx, it's okay, students आपने cos square x की value को अपने put up कर दिया, ऑफ होल स्क्वायर एज इट इज डॉट टी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये जो फंक्शन है वो रेशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 टेक आउट, आई इक्वल टू 1 बाय 4 टेक आउट, इंटीग्रेट ऑफ 1 प्लस cos 2x ऑफ होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। इट्स ओके, अब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a plus b of whole square, it's okay, now I equal to 1 by 4 as it is, integrate of, अब देखिए 1 plus cos 2x का whole square, इसको हम open करेंगे तो क्या होगा, 1 square 1 plus cos square 2x plus 2ab, 2ab means cos 2 cos 2x dot dx, students a plus b of whole square, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इट्स ओके, यहां पर हमने ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स आई इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेट वन एज इट इज प्लस, अगेन क्या हो गया कोस टू एक्स का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स को हम ये राइट कर सकते हैं, तो कोस स्क्वायर टू एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए यहां पर एक्स था तो यहां पर एक्स आया, तो यहां पर 2x है तो यहां पर इस x की जगह क्या आएगा 2x आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 plus cos 2 into 2x upon 2 इसकी वैल्यू होगी, तो क्या होगी बताओ 1 plus cos 2 तो फॉर्मूले से x की वैल्यू कितनी है 2x upon 2, इट्स ओके स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, cos 2x cos 2x का होल स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 plus cos 2x by 2, तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, यहां पर x का वर्क कौन कर रहा है 2x कर रहा है, तो यहां पर x की जगह में क्या रख दिया 2x रख दिया, इट्स ओके प्लस 2 cos 2x एज इट इज कंप्लीट डॉट dx। स्टूडेंट्स आप यहां तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर गए, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, I इक्वल टू 1 बाई 4 एज इट इज 1 प्लस, स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 1 प्लस cos 2 इंटू 2x cos 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x कंप्लीट dx, इट्स ओके स्टूडेंट्स नाउ
अब देखिए एलएम से है, यहां पर हमारे पास इसका एलसीएम कितना आएगा, इस कंप्लीट वैल्यू का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और वो 2 एलसीएम आने के आफ्टर में 2 बाहर आएगा, तो क्या होगा, i इक्वल टू 1/8, 2 4 8 हो गया, इंटीग्रेट। अब देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आएगा, यहां पर 2 कैंसिल हो चुका था, तो दिस वैल्यू एज इट इज 1 cos 4x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 cos 2x डॉट डीएक्स, इट्स ओके, प्लीज अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। नाउ i इक्वल टू 1/8 एज इट इज, 2 + 1 = 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x, इट्स ओके, 2 + 1 = 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x कंप्लीट का इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, इट्स ओके स्टूडेंट्स। नाउ i इक्वल टू 1/8 एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू x इज 3x प्लस प्लस इंटीग्रेट ऑफ cos 4x विद रेस्पेक्ट टू x sin 4x अपॉन 4, इट्स ओके, प्लस 4 एज इट इज इनटू इंटीग्रेट ऑफ cos 2x विद रेस्पेक्ट टू x इज sin 2x / 2 प्लस c, इट्स ओके स्टूडेंट्स, आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप इसका आंसर क्या होगा, यहां से 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 2 4, यहां पर 2 आएगा, इट्स ओके, और आपने आंसर इसका फाइंड कर लिया। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, i इक्वल टू 1/8 3x प्लस sin 4x / 4 प्लस 2 2 4, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया, यहां पर आएगा 2 sin 2x प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया गिवन फंक्शन cos 4x का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, प्लीज राइट। ओके स्टूडेंट्स इसको रफ कर देते हैं, यहां पर देखिए 2x है ना, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं 2x, ओके प्लीज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, i इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ sin 3x डॉट dx, यहां पर sin 3x का डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आप इसका इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, इट्स ओके, सो वी कैन राइट i इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ sin 3x, तो sin 3x वी कैन राइट sin² x डॉट sin x डॉट dx। स्टूडेंट्स हम sin 3x को राइट कर सकते हैं sin² x डॉट sin x, इट्स ओके, वी नो दैट वैल्यू ऑफ sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x, 1 - cos² x वैल्यू ऑफ sin² x डॉट sin x dx, इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट मेथड यूज होगा, बताइए किसको लेट करें, टी करें ताकि समथिंग पार्ट dt मेक हो जाए, लेट cos x इक्वल टू t, स्टूडेंट्स लेट cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t, इट्स ओके, हमने इस cos x को लेट t किया, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएट -sin x इक्वल टू t का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dt/dx, dx मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू -sin x dx इक्वल टू dt, इट्स ओके। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, sin x dx प्लस साइन से, यहां पर माइनस साइन, तो माइनस साइन क्या होगा, dt की साइड में चला जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू -dt, इट्स ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू स्टूडेंट्स 1
एज इट इज माइनस कॉस एक्स, आपने क्या लेट किया इसको, टी लेट किया, वन माइनस टी स्क्वायर, इट्स ओके। तो एंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, इट्स ओके। नाउ आई इज इक्वल टू माइनस टेक आउट फ्रॉम इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, इट्स ओके। आई इक्वल टू माइनस एज इट इज, स्टूडेंट्स वन का इंटीग्रेट टी के रेस्पेक्ट में टी, माइनस माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, इट्स ओके। आपने इसका इंटीग्रेट फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ अब हम यहां पर टी का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन थ्री, इट्स ओके प्लस सी। ये आपने फाइंड कर लिया गिवन फंक्शन का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स आपके पास साइन क्यूब एक्स था, आपने उसका इंटीग्रेट फाइंड किया और क्या आ गया, I इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। प्लीज राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पार्ट ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन पार्ट ए, I इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ वन अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन को देखने से लग रहा है कि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट मेथड प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा, इट्स ओके। तो हम क्या करें ऐसा स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखिए, साइन एक्स इसको हम टेन एक्स बना सकते हैं। अगर हम साइन एक्स को हमने अगर कोस एक्स से डिवाइड किया, अगर हमने साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया तो ये टेन एक्स बन जाएगा, इट्स ओके। तो जब हम इस साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, इट मींस हम साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये कोस क्यूब एक्स है और डॉट में कोस एक्स होगा, तो क्या होगा, कोस फोर एक्स होगा। और कोस फोर एक्स जब चेंज न्यूमिरेटर में होगा तो वो होगा सेक फोर एक्स, और सेक फोर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम टेन एक्स को लेट टी करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मैके डी टी, इट्स ओके। नाउ आई इक्वल टू स्टूडेंट्स वन अपॉन साइन एक्स क्यूब एक्स अपॉन साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर को हमने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है और कॉस एक्स से डिवाइड भी किया है, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मैक टेन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस फोर एक्स डॉट डी एक्स, इट्स ओके। नाउ आई इक्वल टू स्टूडेंट्स वन अपॉन कॉस फोर एक्स सेक फोर एक्स sec 4x upon tan x dot dx, it's okay. Now I is equal to sec 4x, we can write sec square x upon tan x as it is dot dx, it's okay. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप tan x को लेट करेंगे तो ये sec square x dx dt बन जाएगा, लेकिन ये sec square x क्या होगा, इस sec स्क्वायर एक्स को हम राइट कर सकते हैं आई इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ दिस sec स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डॉट sec स्क्वायर एक्स एज इट इज sec स्क्वायर एक्स एज इट इज डी एक्स अपॉन टेन एक्स, इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपको यहां तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए यहां पर tan x को लेट t करेंगे, देन स्टूडेंट्स sec square x dx मैके dt सेपरेट dt, लेट tan x is equal to t, tan x का डिफरेंशिएट x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज sec square x is equal to t का dt by dx, इट्स ओके। dx मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू sec square x dx is equal to dt, ये आपने
वैल्यू फाइंड कर ली. इट्स ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स फ्रॉम हियर डीटी अपॉन टी. यू आर अंडरस्टैंडिंग? वेरी सिंपल. अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. वन बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी, टी स्क्वायर बाई टी इज टी कंप्लीट डीटी. इट्स ओके. नाउ आई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इंटीग्रेट ऑफ वन बाई टी विद रेस्पेक्ट टू टी इज लॉग मोड टी, लॉग मोड टी प्लस टी का इंटीग्रेट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी. इट्स ओके. यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? प्लीज राइट. नाउ अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं. प्लीज इतना राइट कर लीजिए आप एक बार. लास्ट एंड फाइनल आई इज इक्वल टू लॉग टी वैल्यू ऑफ टी टेन एक्स, लॉग मोड टेन एक्स प्लस वन बाई टू एज इट इज टी स्क्वायर, इट मीन्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी. ये आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. गिवन फंक्शन का आपने इंटीग्रेट फाइंड कर लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स. प्लीज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पार्ट बी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर नाइन पार्ट बी आई इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ वन प्लस एक्स डॉट ई पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर इन थीटा के रूप में क्या है एक्स ई पावर एक्स डॉट डी एक्स. हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. इट्स ओके स्टूडेंट्स. ये जो फंक्शन है हमें रेशनल फॉर्म में गिवन है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है कोस स्क्वायर और ये क्या है थीटा है. कोस का थीटा क्या है एक्स ई पावर एक्स है. अब देखिए आपको मैंने बताया था अगर किसी ट्रिगोनोमेट्री का थीटा रूट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स मतलब एक्स के अलावा कोई वैल्यू आता है एक्स स्क्वायर आता है एक्स पावर सेवन आता है एक्स पावर थ्री बाई टू आता है ई पावर एक्स आता है 101% हम उसको लेट टी करते हैं. इट्स ओके. तो यहां पर हम इसको लेट क्या करेंगे टी करेंगे लेट एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू टी. अब जब जिस टर्म को हम लेट टी करते हैं उसका बोथ साइड डिफरेंशिएट होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब यहां पर ये जो क्या है टू फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है तो इसका डिफरेंशिएट होगा बाय मल्टीप्लाई मेथड. सो एक्स इज फर्स्ट ई टू द पावर एक्स इज सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशिएट सेकंड का ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट वन इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएट डी टी बाई डी एक्स. टी का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू. सो एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग? अब बताइए इसमें से कॉमन क्या है. इसमें से कॉमन है ई पावर एक्स, ई पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया टेक आउट इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. इट्स ओके. अब देखिए स्टूडेंट्स अब इसका कंपेयर करते हैं क्वेश्चन से. अब देखिए यहां पर 1 plus x dot e power x और यहां भी क्या है 1 plus x dot e power x dx. तो ये हमारे पास पार्ट क्या बन जाएगा dt बन जाएगा. इट्स ओके. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हो गया dt dt अपॉन cos square t cos square और ये क्या था t था. इट्स ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 upon cos square t इसके इनटू में 1 है 1 upon cos square t sec square t dt. इट्स ओके. सो I इक्वल टू स्टूडेंट sec square t ऑफ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू t इज tan t, tan t प्लस c. इट्स ओके. फाइनली I इक्वल टू tan x एज इट इज वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर x e पावर x प्लस c. ये आपने स्टूडेंट्स जो गिवन फंक्शन था आपने उसका इंटीग्रेट फाइंड कर लिया. इट्स ओके. प्लीज राइट.